हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सो एज पर द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़, दिस इज़ द न्यू वीडियो। हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहला इज़ द फॉरमोस्ट प्रोसेस इज एनवायरमेंटल एनालिसिस। जब ऑर्गेनाइजेशन के लोग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं टू मेकअप द विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड अपॉन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाया जाता है जो टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, जिसे हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन द थर्ड स्टेप इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, जब हम एक्चुअली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वील बी सेइंग दैट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ आर दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो लेट्स बिगिन। द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब बाई द इंटरडिपेंडेंस। दोनों एक दूसरे पर अच्छे से डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर अच्छा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रहा है, अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगी। जैसे हम कुछ प्लान बनाते हैं, हम उसको अच्छे से अगर प्लान बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही आसानी होती है। और ये भी है वाइस वर्सा ना, अगर स्ट्रैटेजी अगर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो जो आपने प्लान बनाया वो सक्सेसफुल होता है। नहीं तो भले ही आपने कितना अच्छा भी प्लान बनाया हो, अगर स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इट इज़ टोटली अनसक्सेसफुल। These have been divided primarily from the point of view of orderly study as well as the skill requirements for these two aspects of the strategic management. The requirement of strategy formulation is primarily conceptual and analytical skills, while that of implementation is administrative skill. जब हम strategy बना रहे हैं, जो strategy formulate कर रहे हैं organization वाले, तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अभी उनका goals, objectives क्या है, और उनका जब एनवायरमेंटल एनालिसिस करके देख रहे हैं कि उनकी मार्केट में पोजीशन क्या है, उनका मार्केट कैसा है। बेस्ड ऑन दैट उसको एनालाइज करके, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को एनालाइज करके, बाहर के एनवायरमेंट को एनालाइज करके, वो एक कॉन्सेप्चुअल एक आइडिया बनाते हैं, एक काम करने का कुछ आइडिया लाते हैं, जिसे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं। और यही स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस लग चाहिए, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि ये जो भी प्लान्स, प्रोसीजर्स, जो भी स्ट्रैटेजी बन रहा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो किया जा सके सक्सेसफुली बेसिकली। बट इन रियल लाइफ द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरट्विंड, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे फॉर्मुलेशन सही होता जाता है, इम्प्लीमेंटेशन भी। Both can be thought of iterative in the sense that both are affected by each other. For example, the strategy is formulated in a particular environment which is dynamic. तो ये कहा जा रहा है इसमें कि आपका जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट, ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो जा रहा है और उसके बाद स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वाले प्रोसेस को भूल जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट इज़ वॉट विच इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मीनिंग क्या, जो चेंजेस से सब्सेक्टेबल है। चेंजेस लगातार इन्वायरमेंट में होते जाते हैं और जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते जाते हैं उसी तरीके से उनको उसको एडजस्ट उसके लिए करना होता है, राइट। सो ऐसा है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी का प्लान बनाया, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया एंड देयर वर सम चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो यू कैन नॉट सिंपली जस्ट लीव द things just for the sake of it. The organization's goes back, you have to go back to their strategy formulation process. और जो भी उनको अलग दिखता है, कुछ different दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, तो उस हिसाब से उन्हें changes करना है। The feedback from the operations, a result of strategy implementation, gives notices of the changing environmental factors to which the strategy should be adjusted. क्योंकि लगातार चेंजेस जो होते जा रहे हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं इग्नोर कर सकते हैं, तो लगातार वो फीडबैक देते जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। दस दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच शुड बी सीन इन द कंटिन्यूटी रादर देन इन डिस्क्रीट फॉर्म। सो एज एसेट कि उनको अलग अलग नहीं स्टेप में देखा जाए, बट इन रियल लाइफ
वो बेसिकली एक दूसरे पे निर्भर हैं, और जैसे जैसे स्ट्रैटेजी बनती जा रही है उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं एज़ पर द नी द स्ट्रैटेजीज इज़ बीइंग चेंज्ड और मॉडिफाइड, बेसिकली वुड बी द बेटर वर्ड. द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी डज नॉट सॉरी द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी डज नॉट एंड वेयर इट इम्प्लीमेंटेशन बिगिंस, बोथ शुड बी टेकन एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यानी कि थर्ड प्रोसेस बोल के स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन छोड़ दिया, नहीं, बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है तो वो चलते ही जा रहा है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी डज नॉट हाउएवर मीन दैट मैनेजर शुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. वाइल इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन इन द लाइट ऑफ फीडबैक गिवन बाय द इम्प्लीमेंटेशन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू हेल्प्स इन पुटिंग राइट पर्सपेक्टिव ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल. सो इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो हमने ये कह दिया कि रियल लाइफ में जो काम हो रहा है उसमें आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को ऐसे भूल नहीं सकते, जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना है. लेकिन क्या है ना, दोनों में यू हैव नीड टू ड्रॉ मार्जिन कि क्या क्या है. और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक प्रोसेस है. स्ट्रैटेजी बनाने में टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में आपके मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में वो सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज वगैरह को देखते हैं और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में वो बेसिकली कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो स्ट्रैटेजी को, सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी और मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी रीच. So as said that these two processes are, you know, they are independent, they are, you know, they are dependent on each other, they are interdependent, but उन लोगों को for the purpose of study उनको अलग से लेके अच्छे से पढ़ने का है. Now strategy formulation should not be assigned to management below certain level because of its dependent on contingency factors. Implementation can be assigned to this level of management. तो ऐसा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो रहा है वो स्ट्रैटेजी इस तरह से फॉर्मुलेट होना चाहिए कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं दे आर द प्राइमरी पीपल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अप ऑफ द स्ट्रैटेजीज, एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दिया जाता है जो अपने तरीके से उसे मैनेज करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. This is possible because once the overall strategic decisions are made, detailed implementation plans can be developed for the various functional areas of the operations. Thus, various levels of management come into the picture of strategic management. अब क्या है कि कोई टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन ले लिया कि कोई उन्हें बिजनेस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है, गुड इनफ. अब उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया तो है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से फंक्शन, जैसे बहुत सारे फंक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गया, एचआर हो गया, व्हाट सो एंड सो फोर्थ. तो जो भी प्लान बनाएगा, जो अभी टॉप मैनेजमेंट अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है किसी भी तरीके से. इन एनी वन वे और द अदर दिट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व भी होता है. तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होता है ये चीज़ वो डिसाइड कर लेना है, और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट अपनी क्षमता अनुसार, अपने काम अनुसार उसको उसमें वो काम करते हैं ताकि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी टेक्स प्लेस. व्हेन द स्ट्रैटेजी इज पुट इनटू एक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल प्लान्स, द फीडबैक मैकेनिज्म emphasizes the need to continually assess implementation of the strategy and organizational performance in order to determine any change required in the strategy. Thus, those who are responsible for the strategy formulation cannot be relieved from the task of its implementation. जैसे वीडियो के शुरू में बोला गया था कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक बार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस हो गया, फिर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बना दी, अब उसके बाद स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होने के लिए सब्सिक्वेंट लेवल्स लेवल्स ऑफ मैनेजर्स के पास चला गया. लेकिन बिजनेस क्या है, बिजनेस ऑपरेट कर रहा है एक आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट है जो लगातार चेंज होता रहता है. तो ऐसा है कि जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला गया तो एक चैनल बनाना होता है जो लगातार फीडबैक देता जाए कि स्ट्रैटेजी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जिस तरीके से सोचा गया था उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं. अगर उसी तरीके से काम हो रहा है या उससे बेहतर तरीके से काम हो रहा है, देन वेल एंड गुड, देन नथिंग लाइक दैट,
बट अगर कहीं पे त्रुटि हो रही है, इफ़ देयर इज सम फॉल्ट, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस बेसिकली दे हैव टू गो बैक टू एनालाइज दैट वेयर इज़ द प्रॉब्लम, टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द स्ट्रैटेजी, और ये मॉडिफिकेशंस बना के उसके बाद दोबारा से इसे इम्प्लीमेंट करना है. फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन, लेट अस सी वन सेकेंड प्लीज, या ये वी गेट द गुड पिक्चर. फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द ऑलराइट, फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. जैसा पहला पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द डेफिनेशन का दिया हुआ है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड प्लान्स. पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस हुआ, उसका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हुआ. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी एक आइडिया, एक प्लान, कुछ भी डिसीजन लिया गया जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है. इस तरह से नहीं कि उनका जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स विजन मिशन है उसे हट लग के कुछ बनाया जा रहा है. ऐसा कुछ बनाया जा रहा है ताकि जो मेन गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक हो. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑल दोस मींस रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी प्लान. स्ट्रैटेजिक प्लान्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. इन शॉर्ट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज प्लेसिंग द फोर्सेज बिफोर द एक्शन. फॉर प्लेसिंग फोर्सेज बिफोर द एक्शन का मतलब कि बेसिकली वो इंटरनल रिसोर्सेज देख रहे हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज देख रहे हैं, पूरा एनालाइज कर रहे हैं, और जितना भी दिमाग से वो अपना लगा सकते थे, जितना भी सोर्सेज वो लगा सकते थे टू गेन द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, वो गैदर करके इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके वो एक स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं. और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द मैनेजिंग फोर्सेज ड्यूरिंग द एक्शन. जो भी उस समय स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्शन नो, कि जो सच में वो क्या काम हो रहा है, तो काम जब हो रहा होगा उस समय क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरह कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे रिसोर्स का एलोकेशन कर सकते हैं, कैसे प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने का, ये फोर्सेज सारे मैनेजमेंट करने का, इसको हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. एन एंटरप्रेन्योर इज़ व्हाट, एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु इज़ केपेबल ऑफ रिस्क टेकिंग, राइट. वो रिस्क ले सकते हैं, वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो काम करने की इच्छा रखते हैं. तो ये स्ट्रैटेजी जब फॉर्मुलेट किया जा रहा है तो एक बेसिकली कुछ नया चीज़ करने की कोशिश की जा रही है. तो एक इट्स एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच वेयर पीपल ट्राई टू venture into new things, right? On the other hand, strategic implementation is mainly an administrative task based on strategic and operational decisions. ये एक administrative task है, day-to-day task है, कि कैसे इसका जो strategy जो बनाया हुआ है, जो top management ने बना के दिया है, उसको हम कैसे with best possible way हम उसको implement कर सके, so that there is maximum profitability and there is maximum efficiency. The next point, the strategy formulation emphasizes on effectiveness. Good enough, क्योंकि strategy formulation वो जो try कर रहे हैं कि जितना maximum effective हो सके, कितना अच्छे से बन सके, कितना effective हो सके कि सारे organization को positively affect करे, maximum profit लाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी लाए, समथिंग लाइक दैट. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एम्फसाइजेस ऑन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी किस चीज़ का, एफिशिएंसी काम करने का. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से काम हो, मैक्सिमम फ़ायदा हो, इम्प्लीमेंटेशन उसका सही से हो, उसका एफिशिएंसी बना रहे, उसका मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज़ अ रैशनल प्रोसेस. वो क्या हो रहा है कि वो रैशनल प्रोसेस बोलें या एनालिटिकल प्रोसेस बोलें, जिसमें सारे इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो लोग एनालाइज करके देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू द, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन एंड दे आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेसिकली एन ऑपरेशनल प्रोसेस. जो इसमें इट इज़ ऑपरेशनल प्रोसेस मीनिंग वो एक्चुअली इट इज़ द स्ट्रैटेजी इन एक्शन, वो काम हो रहा है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू इंडिविजुअल्स.
क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाया कौन जा बनाते कौन है, जो टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं। अगर आप एक पिरामिड देखेंगे जो हायरार्की होता है आपका मैनेजमेंट का, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो पिरामिड के ऊपर में, ट्रायंगल के ऊपर में आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं। द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर पीपल आर फ्यूअर इन नंबर। कुछ पर्टिकुलर लोग टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं, जो मिलके ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मैनी इंडिविजुअल्स, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्ली ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व, ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, एंड बेसिकली एनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच इज़ टेकन नो इट अफेक्ट्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो वट द पीपल आर ट्राइंग टू डू हियर इज द वट इज़ वट मीन सेड हियर इज ये जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है, जो प्लान बनाना होता है, कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का होता है तो प्रॉब्ली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ इनिशिएटिव एंड लॉजिकल स्किल्स, क्योंकि ये एक रैशनल प्रोसेस है, एक एनालिटिकल प्रोसेस है, जहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है इंटरनल रिसोर्सेज को एनालाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिसोर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद सारे रिसोर्सेज को, सारे प्रॉपरली सारे प्रॉस्पेक्ट को ये एनालाइज करके, ये उनके लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स हैं जो हेल्प करते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाने में। और ये उनका अपना इनिशिएटिव लिया रहना होता है कि हाँ हम कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करेंगे। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक मोटिवेशनल एंड लीडरशिप ट्रेट्स, क्योंकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय हुम, द मिडल लेवल, द लेवल मैनेजमेंट, द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो बेसिकली जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हें मोटिवेट करना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि वो अपनी फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल के साथ काम करें। मिड लेवल मैनेजमेंट वाले या लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले जो टीम लीडर्स होते हैं उनको भी ये मोटिवेट करना है कि जो भी काम हो रहा हो बेस्ट तरीके से हो रहा हो, जो भी काम वो लोग कर रहे हैं बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो इट इज़ अप टू यू नो इट गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, इट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। सो व्हेन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्टेप्स रिक्वायर यू नो लेवल रिक्वायर्स की एनालिटिकल रीजनिंग लगाना होता है, एनालिटिकल अपना लॉजिक लगाना होता है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए, इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स लगाया जाता है कि कैसे ये आपका इम्प्लीमेंटेशन सही से जाए कैसे, और उसके बाद आपकी मोटिवेशन और लीडरशिप से गुड क्वालिटीज चाहिए होता है ताकि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। एंड द लास्ट यू नो पॉइंट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसीड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन से पहले आता है और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद में आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग गोइंग फर्दर वी हैव स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन आर टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस of strategy management. Strategy formulation takes place before strategy implementation in this process. In strategy formulation, different strategies are developed after analyzing the business environment, organizational vision for the future, and the resources and the competencies available. ऐसे अभी वीडियो के पहले में ही बोला था कि ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉर्म जब आपका होता है उसमें वो ऐसे बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करते हुए, अपनी कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रखते हुए कुछ नए स्ट्रैटेजीज बनाए जाते हैं। फ्रॉम दीज स्ट्रैटेजीज द स्ट्रैटेजी दैट इज़ बेस्ट और द ऑर्गेनाइजेशन इज सिलेक्टेड। अब वो जो वो लोग एनालाइज कर रहे हैं, दो दो तीन ऑप्शन होता है और फिर जो बेस्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन को लगता है इस फॉर द मैनेजमेंट को लगता है इस बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज देन इम्प्लीमेंटेड इन द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वेयर द स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज पुट इनटू एक्शन। These two processes are critical for an organization as they ensure that the organization accomplishes its strategic plans and objectives and always stays ahead of the competition in the market. So, as said again, strategy पहले environment analysis आपका हो गया,
फिर आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हो गया, सही से फॉर्मुलेशन हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को उसके अब के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स विजन मिशन को एनालाइज किया करके उन्होंने स्ट्रैटेजी एक बनाई। उसमें से दो तीन जो भी ऑप्शन ने देखा उसमें जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी ने लगा जिससे लगता है कि इट्स द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी से आएगा, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप को इस कंपटीशन में, इस अभी दिस ग्लोबल मार्केट एंड दिस ग्लोबल मार्केट कंपटीशन में अपने आप को आगे रख सके, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सके, दे हैव एन कॉम्पिटिटिव एज, राइट। सो आई होप आई कुड गेट थ्रू, एंड इफ यू डिड लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। Thank you.